दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपने जो है पहली अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कि फीस वृद्धि के खिलाफ जो है लाइब्रेरी गेट पर जो 3 घंटे जो है तालाबंदी रही है और 15 दिन से कर रहे हैं आंदोलन। अनशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें फीस वृद्धि जो है 4 गुना बढ़ा दी गई है। एकदम से 4 गुना फीस बढ़ गई। तो यहाँ लड़के जो हैं और जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आक्रोश हो चुके हैं। और तो 15 दिन तक जो आंदोलन चल रहा था, अभी तक आप देख लीजिएगा अनशन चल रहा है। यहाँ पे जो है अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से जो है ये अनशनकारी जो है कि जुलूस निकाल रहे हैं लेट कर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस तरीके से देख लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस वृद्धि के खिलाफ जो एपीपी के कार्यकर्ता ने जुलूस निकाला। यहाँ पर देख सकते हैं फीस वृद्धि के विरोध में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट पर जड़ा ताला। यहाँ पर देखते हैं कि अनशन में तबीयत भी खराब हो चुकी, दो छात्रों की जो है अनशन चल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 छात्रों की जो बिगड़ी तबीयत अस्पताल में भर्ती हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिसर में निकाला आक्रोश। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रबंधक सिस्टम के एक पद पर जो है 2129 मतलब 2000 इसमें जो 129 दावेदार सब फेल हो चुके हैं। यहाँ पर बात हो रही है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद के लिए 2129 अभ्यर्थियों में जो सब फेल हो चुके हैं। और ये बात हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रोग्राम कंप्यूटर ग्रेड 2 के लिए बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सब के सब फेल हो चुके हैं, कोई भी पास इसमें जो इंटरव्यू नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल कॉलेजों को जो है मिले 2 असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पकड़े गए 2 नकलची। यहाँ पे बात हो रही है इसमें आरआरबी प्रयागराज की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा में कानपुर रोड की मथुरा के सोमवार को अलीगढ़ में दो नकलची गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों जो है अभ्यर्थी एक ही सेंटर पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ आरआरबी जो प्रशासन ने विविध कार्रवाई की गई है। यहाँ पर बात इसमें जो है आप देख सकते हैं ये जो नकल कर रहे थे ब्लूटूथ डिवाइस से कर रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पर जो ब्लूटूथ डिवाइस से जो है नकल कर रहे थे और दूसरा ईयरफोन लगा के जो है वो नकल कर रहा था, जो इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं जो इसमें अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ा, 500 पदों पर फंसी भर्ती। यहाँ पे बात हो रही है अशासकीय महाविद्यालयों में जो है अनुपात सुधरने पर जो है आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। अनुपात ही गलत चल रहा है अभी जो है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का जो है इसमें अनुपात बिगड़ गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन जो है 500 पदों पर जो भर्ती फंस चुकी है फिलहाल। ये आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है फंसी हुई, इस पर जल्द से जल्द जो है निर्णय होगा। और इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ शिक्षक अनुपात जो पूरी तरीके से जो है बिगड़ चुका है। अनुपात जो होता है वो एक सीट पर जो है कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए, मतलब क्या कि एक टीचर 40 बच्चों को हैंडल करेंगे। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटियों के लिए बंद रोजगार के मेले दरवाजे, मतलब क्या इसमें जो है बेटियों के जो है रोजगार मेला लगता है वहाँ पर जो है किसी भी तरीके की नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रैल तक अब से जो है 11 मेले लग चुके हैं और 4426 नौकरियाँ मिल चुकी हैं जिसमें 11 महिलाओं को प्राइवेट कंपनियों ने रखा है। तो ये बात इसमें क्यों हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो है 10 से 15 हज़ार रुपये तक की नौकरी मिल सकती है रोजगार मेले में। तो इसलिए फिलहाल इनको जो है अब ये यहाँ पर जो है लड़कियों को नहीं रखते हैं, क्योंकि होमवर्क होता है और जो है एक फील्ड वर्क होता है वहाँ पर जो लड़कियाँ नौकरी नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो महिलाओं को नौकरी इसमें नहीं दी जाएगी अब ज़्यादा, तो क्योंकि इसमें हाई स्कूल इंटर स्नातक ग्रेजुएट आईटीआई वाले लड़के होते हैं, यहाँ पर जो है महिला वर्क नहीं कर सकती, इसलिए इनको जो है फिलहाल इसमें नहीं आएंगे। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि CHSL 2021 द्वितीय प्रश्न पत्र की जो है परीक्षा 18 को, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 के जो है प्रश्न पत्र जो है पत्र की 19 सितंबर को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन मोड पर होगी। यूपी और बिहार के एक एक जिले में कानपुर पटना में परीक्षा होगी। आयोग की जो मनमानी ये है, देख सकते हैं आयोग की मनमानी का एक नया उदाहरण क्या है कि इसमें बेनेट्री मेडिकल जो है तो ऑफिसर में लिखित परीक्षा का परिणाम को इस तरीके से आया, मतलब क्या पद कितने थे यहाँ पे 215 पद थे। इसमें जो 3 गुना अभ्यर्थियों मतलब 215 पदों पर 645 बच्चों को बुलाना चाहिए था, बुलाए कितने 100 जो है इसमें जो है 179 बच्चों को ही बुलाया, मतलब 645 बच्चों को बुलाना चाहिए था तो केवल 179 बच्चों को ही बुलाया। तो ये क्या है आयोग की मनमानी है।
कक्षा जो है 9 व 11 में घटे 6.45 लाख छात्र। इसमें बात चल रही यूपी बोर्ड के जो है 27,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 व 11 के इस साल जो है 6.45 लाख छात्र छात्राएं जो कम हो चुके हैं। बोर्ड ने जो है कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने की अभ्यर्थी संख्या उन्होंने घोषित कर दी गई। कम से कम 6.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख भी नहीं है, कम है, 6.45 लाख अभ्यर्थी ही हैं। यहाँ पे जो है ना का मतलब वो नहीं, कम ही इसमें है, इस बार 6.45 लाख अभ्यर्थी कम बैठेंगे। अब बात करते हैं एडेड स्कूलों की। एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं, और इसलिए इसके अंतर्गत बीएड मांगा गया था राजकीय कॉलेजों के लिए। जो है 2018 में 10,768 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 1548 पद कंप्यूटर शिक्षक के थे। लगातार मांग उठा रहे थे कि इसमें जो एडेड स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक बहुत से जल्द घोषित करा जाए, पर इसमें TGT की भर्ती के साथ कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। अब वो नेक्स्ट भर्ती आएगी तो उसमें जोड़ के आएंगी। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 582 DL प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश शून्य। अभी तक ऐसे जो है कहने मतलब 582 कॉलेज, डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जिसमें जो है DL में एडमिशन लिया ही नहीं है, BTC में एडमिशन नहीं लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सीधे प्रवेश का अवसर मिलने पर सब टिकी हैं उम्मीदें, और 26 कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त जो है करने का कर चुके हैं, मतलब 26 कॉलेज जो है मान्यता वापस करने का कर चुके हैं अनुरोध की। भैया जब कोई बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने मान्यता जो है वापस करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है। 582 कॉलेज हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये जो घोषित हुआ कंपार्टमेंट का, वो यूपी बोर्ड ने सोमवार को हाई स्कूल व इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटर का कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार जो है यूपी बोर्ड 2022 की 10वीं की अंक सुधार परीक्षा में सिर्फ जो है 3 फेल, बाकी सब के सब जो पास कर दिए गए हैं। और यहाँ पे जो है 3 ही फेल हुए हैं, बाकी सब के सब जो पास हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर, इसमें IIT में पहली बार अंग्रेजी के साथ ही स्थानीय भाषाओं में भी होगी काउंसलिंग। आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए जो है नाटा की ज़रूरत नहीं है। ITI में प्रवेश 17 सितंबर तक होंगे। लोकसभा आयोग से अपडेट है कि यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू है वो 19, 20, 21 सितंबर को कराए जाएंगे। ये लोकसभा आयोग से खबर आई है। ईश्वर शरण के 6 विभागों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्येक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में जो है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी शिक्षकों की सैलरी कटती है उसका ब्यौरा पूरा देना पड़ेगा, उनकी डिटेल जुटाने की, पैसा कहाँ कटा जा रहा है सब आपको डिटेल देनी पड़ेगी। 70,000 सीटों पर जो है दाखिले शुरू हो चुके हैं, और ये इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है, DU की बात चल रही है। 70,000 सीटों पर दाखिले शुरू हो चुके हैं। शिक्षा मित्रों को जो है 40,000 रुपये मानदेय देने की मांग उठाई गई है। एडेड कॉलेज के अंतर्गत जो है जो बाहु भर्ती आ रही है वो 19 सितंबर से आ रही है। इसके तुरंत बाद आपको चपरासी की भर्ती देखने को मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल Career Plus। थैंक यू वेरी मच।